मैं बोलूं वही बोल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसम है। अच्छा, क्या कहेंगे जो आग लगी है यहाँ पर, लोग काफी गायब बताए जा रहे हैं। तो इसमें मेरा ये कहना है सर, जो लड़की जो अपने माँ बाप छोड़ के आई है, जिनके ना है यहाँ पे, तो उन लड़कियों के माँ बाप कैसे मिलेंगे? उनका ना पता है, जो घर है उनके माँ बहन आने का इंतजार करेंगे तो वो कैसे ढूंढेंगी? उनके माँ बाप उनके औला कैसे मिलेंगे? आपको क्या, आपका कहना है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जो अकेले अकेले ही रह रहे हैं? हाँ, जो अकेले अकेले हैं उनको भी देखा है। कितने के लोग होंगे? अभी लगभग इसमें ज्यादा में ज्यादा 100 लोग तो गायब है। यहाँ 100 लोग उनका लापता है, अभी तक उनका भी कोई नहीं मिला है। अच्छा, उनको भी जब देखा जाएगा अंदर जाके, जब जब देखेगी, जब जाकर सब ढूंढेंगे तब जाके मिलेगा। तब उनको जाके कम से कम ये देखना है सबको, ताकि जिन जिन की माँ बहन यहाँ नहीं है उनका भी देखना है, उनको बताना है, कैसे भी करके पहुँचाना है, उनको भी तक पहुँचाना है कि ये आपकी बेटी है, किसकी बेटी है, उसको निकाल के देना है। मेन बात यह है कि जब उसको आगे दी गई थी कंपनी के अंदर, तो जो सारा स्टाफ को बाहर किसने कौन सी वजह थी वो निकाला गया और आगे क्यों लगाई गई थी, आखिर ये भी जानना है। नहीं, आपका कहना है कि स्टाफ के सारे सेफ है लोग? हाँ, स्टाफ का सारा सेफ है, स्टाफ ऑपरेटर और मैनेजर जीएम सब सेफ है। स्टाफ का जितना भी है, जब गेट आगे लगे थे तो गेट बंद करके वो क्यों भागा था, बंदों को अंदर बंद करके क्यों भागा? मेन गेट एक ही है, जहाँ से सिर्फ ऑलरेडी 2 बंदे निकल सकते हैं एक ही गेट पे, ये सामने लगा है गेट, वही गेट अभी तक बंद है, 3 दिन होगा आगे लगा हुआ है, उसको भी कम से कम देखना चाहिए आखिर गेट क्यों बंद किया, आखिर बंदों से कौन सी जन्मों की दुश्मनी निकाली हेल्पर से, आखिर वजह क्या ही बंदों की, क्या है उसमें जो बंदों ने अपनी जान दी है? या उनको यही दिक्कत नहीं कि हेल्पर जो काम कर रहा था उनको पैसा देना ना पड़े, इस वजह से आगे लगाई गई थी? क्या जानना था उनको इस वजह से आगे क्यों लगाई, यही जानना था और कुछ नहीं जानना। जितने भी हैं उनको सही सलामत उनके घर, उनके जितने भी हैं सही सलामत उनको पहुंचना चाहिए, बस यही कहना। क्या नाम है आपका? राखी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम चंदौसी के साइड के हैं। अच्छा, आपका यहाँ कौन है? भतीजी है, फिर भैया ही लड़की है सगी। क्या नाम था उनका? काजल। और कब से काम कर रही थी? उसको हो गए 2 साल से ज्यादा। उस दिन आई थी कंपनी में? हाँ आई है कंपनी। लंच टाइम में कहा लंच? लंच इसमें लंच किया था उसने। एक बहन की लड़की भी, वो लंच करके चली गई घर, कमरे पे गई थी लंच करने, तो वो इसलिए वो बच गई, वो यहाँ पे लंच लेके आई थी। हाँ, उसके पते नहीं अभी तक कुछ भी। अभी क्या बोल रहे हैं? ढूंढ रहे, बोल रहे हैं निकालेंगे तभी देखेंगे, कुछ पता ही नहीं पड़ रहा, पता कर रहे हैं बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? विजय पाल। अच्छा, कौन कौन लापता है आपके रिश्तेदार? तो मेरी दीदी है और उसके 2 फ्रेंड है, काजल और कल्पना, और बाकी और लोग हैं। इसके ऊपर कम से कम 15-20 बंदे काम कर रहे थे, जिसमें से एक कूद के डेथ हो गई उसकी, और बाकी उसमें फंसे रह गए सारे। अभी प्रशासन की ओर से तो बोला गया कि मात्र 4 ही लोग बचे हैं जो लापता हैं। मात्र 4 नहीं है, ज्यादा हैं सर। 4 तो अभी, 4 तो कल डेड बॉडी निकाली गई है, वो भी नहीं दिखाई किसी को, जिस तो दिखाई थी, और उसमें कम से कम ऊपर 15-20 बंदे काम कर रहे थे, 15-20 में से अभी 4 ही मिल पाए हैं, बाकी नहीं मिले हैं। क्या लग रहा है कितने लोग और हो सकते हैं मजदूर इसमें? सबसे ऊपर वाले में ही हैं जो भी हैं, क्योंकि ऊपर वाली शिफ्ट निकल के नहीं आई है एक भी। कितने लोग? लगभग ऊपर 15-20 बंदे काम करते हैं ऊपर एक शिफ्ट में। आपके अपने आसपास जब देख रहे हैं, एक तो आपकी सिस्टरों की 2 लड़कियां और हैं। हाँ। और यहाँ आसपास कितने लोग आए हैं जिनके लापता है? सर वो बहुत हैं, अभी इधर उधर ही सब घूम रहे हैं, ढूंढते फिर रहे हैं, कोई भी ढूंढते फिर रहे हैं, हाथ लगाए फिर रहे हैं, मिलेगी मिलेगी, लेकिन नहीं मिल रही है। हॉस्पिटल में हमने सब में देख लिया, कोई नहीं मिला। कल इन्होंने डेड बॉडीज दिखाई थी कि नहीं? डेड बॉडीज दिखाई तो थी, लेकिन उसमें कोई जांच नहीं पड़ रही है, कौन कैसा है कैसा नहीं है, टोटल खराब होगी टोटल। अब क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं इंसाफ होना हमारा जल्दी। हम 3 दिन से यहाँ पे हैं, घर में भी देखो चूल्हा तक नहीं जलाया, हमारे घर भी रो रो के बुरा हाल हो रहा है। कहाँ के रहने वाले? यूपी। इसी कंपनी में जो ज्यादातर महिलाएं? सर ज्यादातर वहाँ लेडीज ही थी और सारे यूपी के बंदे थे इसके अंदर। कितने लोग होंगे लगभग इसमें? टोटल 200-250 के 300 के लगभग काम करते थे, और स्टाफ को कुछ नहीं हुआ है, स्टाफ सारा सुरक्षित है। और जब आग लगनी चालू हुई थी, सुपरवाइजर बोला कि उसकी महक आ रही है ये सेंट की, इतनी बुरी कोई धुआं थोड़ी उठता है जो सेंट की आती है, तो जब थोड़ी थोड़ी आग लगनी चालू हुई तो सुपरवाइजर ने गेट बंद कर दिया और खुद भाग गया। हाँ, वरना निकले आते सारे, अगर वो गेट बंद नहीं करता तो गेट बंद करके खुद भाग गया, और अभी भी गेट बंद है आप देख सकते हो। इनका जाने वाला भी गेट है या आने वाला? एक ही मेन गेट है ये।
सुपरवाइजर का नाम बता। सुपरवाइजर का नाम अजय नाम सुनने में आ रहा है, लेकिन मैंने देखा नहीं है वो। आपके हिसाब से कितने के लोग और हो सकते हैं अंदर? अंदर तो अभी आपको पता ही है, मैंने बता दिया कि चार निकल गई हैं, एक ऊपर से कूद के मच गई, कम से कम 15-20 काम कर रही थी ऊपर लेडीज से, अभी कुछ पता नहीं है उनका। निचले वाले सारे आ गए? नीचे और ऊपर वाले तो सारे आ गए, कुछ रह गए थे, कुछ आ गए थे, जो आ गए वो सारे हॉस्पिटल में, जो नहीं आए वो सब मर गए जल गए इसमें, और कुछ की तो बॉडी भी नहीं मिल रही, ऊपर कोयला बन गई होगी। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश है जी, मध्य प्रदेश से। मेरी बेटी यहाँ काम कर रही थी तो लापता, उसका कोई पता नहीं लग रहा है, ना हॉस्पिटल में ना यहाँ, ना बॉडी मिल रही, वहाँ भी वो नालागढ़ देख के आ गए, है ना, यहाँ कहीं कुछ कोई सुनने वाला नहीं है, सब तो ये सब नाटक है, और कहीं कुछ नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, सब तमाशा देख बनाने वाले हैं सब, है ना, सब धक्का मार के अरे गरीबों को कीड़ा मकोड़ा समझ रखा भाई, कठपुतली समझ रखा है इन्होंने, ये सरकार बेकार है, तो है कितना सा, ये है कितना सा, अगर एक एक ईंट उठाना चाहे तो सब बाहर निकाल देंगे, कितना सा है, कितना सा बड़ा फैक्ट्री, अगर सब आदमी लग जाते हैं घंटे में सब बाहर कर देंगे। अभी ये तो आप लोग देखिए, जितने देखिए, जो यहाँ का जो सफाई बाजार है, मालिक है ना, ठेकेदार वगैरह कोई भी है, उनसे पता कीजिए कितने यहाँ पे मजदूर काम कर रहे थे, कितने नहीं कर रहे थे। पचासी लोग यहाँ पे एंट्री डेली होती थी गेट पर, तो सुनने में आ रहा है कि कम से कम 200 से 250 के बीच में काम कर रहे थे, है ना, 200-250 के बीच में जला दिए। अब वो मजदूर कर रहे थे यहाँ काम, तो जब आग लगी तो एक ही तरफ से शुरू होगी ना आग, ऐसा तो है ना कि सारे में एक ही बार लग गई आग, सारे में एक ही बार तो लग नहीं सकती है, एक तरफ से अगर आग शुरू होगी तो सफाई मैनेजर ने जो बाहर से गेट लगाया खोल देता, कहता जलो भागो यहाँ से, तो कम से कम अपनी जान तो बचा लेता, कोई ना कोई भागता दौड़ता, कोई जलता थोड़ा बहुत, गिरता फिरता, हाथ पाँव टूटता, इतना ही होता और क्या होता, निकल जाते वहां से। अभी प्रशासन के अधिकारी बोले कि चार लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, चार ही लापता, मैंने आसपास देखा, अभी मेरे हिसाब से 5-7 लोग तो आप ही हैं जिनके बच्चे हैं, जिनके बच्चे हो, और वहाँ पे जो कल वहाँ पहुंची थी डेड बॉडी जो चार थे, कितनी पहुंची थी वो भी देख के आया, वहाँ है नहीं कहीं कुछ, अभी यहाँ और तो बच्चे काफी है, सुनने में आ रहा है बच्चे काफी है, तो मानते हैं चलो ठीक है, सफाई वार्ड ने गेट क्यों लगाया, बंद नहीं करना था इसे, या तो फिर है ना, या तो आग जान पूछ के लगाई गई भाई, साफ मतलब दिखाई दे रहा है इसमें, आग जान पूछ के लगाई गई, कोई भी देख ले इसको, है ना, मजबूरी हो गई, अरे तुम्हें आग लगाना ही थी, तुमको कोई दिक्कत परेशानी थी, हेल्पर तुम बाहर निकाल देते सब, बाद में कुछ भी कर देते तुम फैक्ट्री से, कोई भी तो चाहिए, कितने मरे हैं।